नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल एम के मोबाइल इंडिया में। और दोस्तों, आज का जो विषय है वो है एम आई नोट 4 का चार्जिंग पत्ता कैसे चेंज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, इसकी सिम ट्रे को निकाल लेंगे। सिम ट्रे निकालना सबसे पहला काम होता है, और जो इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने चिमटी ले रखी है। इस चिमटी से मैं के माध्यम से मैं इसको बैक पैनल को खोल लूँगा। तो दोस्तों, आप चिमटी ना लेके आप जिस तरीके से भी आपको सेफ्टी लगे उस तरीके से आप उस फ़ोन को खोल सकते हैं, बैक पैनल को। इसका बैक पैनल देखिए दोस्तों कैसे खुलता है। देखिए, मैंने ये खोल दिया है और बहुत ही आसान तरीके से हम इसका चार्जिंग पत्ता चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये इसका बोर्ड होता है, इसमें रिंगर डिब्बी होती है। ये रिंगर डिब्बी को हटाएंगे, उसके नीचे जो होता है वो होता है चार्जिंग पत्ता। आपको चार्जिंग पत्ता होलसेल की दुकान पे अवेलेबल है, आपको पूरा चार्जिंग पत्ता मिल जाएगा और आप आसान तरीके से उस पत्ते को चेंज कर पाएंगे। पहले इसमें क्या होता है, एक इसमें वायर लगी होती है, नेटवर्क वायर बोलते हैं उसको, उसको पहले हम हटा लेंगे। और उसके बाद जो इसमें ये पत्ता होता है इसका, ये पावर पत्ता होता है जो पत्ती से कनेक्ट होता है जिससे हम चार्जिंग करते हैं, बोर्ड की सप्लाई का पत्ता। ये देखिए दोस्तों, इसका ये चार्जिंग पत्ता है। ये चार्जिंग पत्ता बहुत ही आसान तरीके से आपको मिल जाएगा किसी भी दुकान पर, और दुकान से लेके आप इसको बहुत ही आसान तरीके से चेंज कर सकते हैं। अगर आपका फ़ोन चार्जिंग ना हो रहा हो या फिर डिसकनेक्ट हो रहा हो बार बार, तो उसको चार्जिंग पत्ते को आप चेंज करके इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, दूसरा चार्जिंग पत्ता लगा देंगे। मेरे पास जो दूसरा पत्ता है इसका, वो हम इसको दूसरे पत्ते को, इसमें उसी तरीके का एक पत्ता आता है बिल्कुल सेम, और वो एम आई नोट 4 का आप बोलोगे दुकान पे जाकर तो मिल जाएगा। और उसको हम जिस तरीके से हमने पत्ता निकाला है उसी तरीके से हम उस पत्ते को लगाएंगे। तो दोस्तों, देखिएगा कि जिस तरीके से हमें आप फ़ोन को खोल रहे हैं, निकाल रहे हैं पार्ट्स को, उसी तरीके से हमको लगाना है। उसमें मैंने देखिए दोस्तों, ये पावर वाला पत्ता लगा दिया है और इसमें उसकी वायर भी लगा दी है। ये नेटवर्क की वायर होते हैं, नेटवर्क वायर लगा दी है। दोनों चीज़ें लगाने के बाद इस पर रिंगर डीपी लगा देंगे, और रिंगर डीपी लगाने के बाद हम इसको पैक कर देंगे। दोस्तों, इसमें और कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से, देखिए मैंने चेंज करके दिखा दिया है, ना ही आपको टूटने का डर, ना ही किसी चीज़ का डर। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये किसी भी मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। मैं आपको चार्ज करके दिखा देता हूँ। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ जरूर कर लें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपके फ़ोन तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।